वेलकम वंस अगेन दोस्तों, मैं हूं आपकी दोस्त पूनम और एक बार फिर से स्वागत करती हूं भाई आपका अपने चैनल में। और आज की डेमो क्लास जो है वो जीके के टीचर्स के लिए है। जी हाँ दोस्तों, बहुत सारे स्कूल्स में जीके के अलग से टीचर्स जो है वो अपॉइंट किए जाते हैं। बहुत सारे स्कूल ऐसे होते हैं जो नॉर्मल की भीड़ के टीचर्स होते हैं उनमें से छांट कर जीके के टीचर्स जो है वो अपॉइंट कर देते हैं। बट फिर भी जीके तो पढ़ानी है ना, बच्चों का इंटरेस्ट तो जीके में आपको डेवलप कर रही है, उसे पढ़ाने का क्या तरीका होता है ये आप जानते हैं? बस उसमें थोड़े से सुधार आज इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ लेकर आई हूं। तो उम्मीद करती हूं आप इस चैनल का पार्ट बन चुके हैं अभी तक, चैनल को आपने सब्सक्राइब कर दिया होगा, इस टीचिंग कम्युनिटी से जुड़ गए हो ना, क्योंकि इसकी कम्युनिटी टैब में भी ना बहुत सारी टिप्स जो है, बहुत सारी अपडेट्स जो है, बहुत सारी यूजफुल थिंग जो है वो मैं हर दिन अपडेट करती रहती हूं, जो मैं वीडियोज में आप लोगों के लिए नहीं लेके आ पाती। तो अब बात करते हैं कि जीके की डेमो क्लास के लिए। देखिए दोस्तों एक चीज और, ये मेरा सेकंड चैनल है, मेन चैनल जो है लर्निंग नेवर एंड्स, उस पर टीचिंग जगत की सारी जानकारी आपको मिल जाती है। पर यहां पर आपको सिर्फ डेमो क्लास देखने के लिए मिलेगी। तो उम्मीद करती हूं दोनों चैनल्स का पार्ट बन जाना, जिससे कुछ भी लेटेस्ट आपसे मिस ना होने पाए। अब बात करते हैं डेमो क्लास की, जीके की डेमो क्लास की। देखिए जीके जनरल नॉलेज, आप क्लास में जा रहे हैं, आप बच्चों के सामने खड़े हो रहे हैं और फटाफट भारी भारी बम गोले की तरह सवाल पूछने बच्चों से शुरू कर देते हैं। क्या होगा? बम गोलों से तो तबाही होगी ना। तो बस बच्चों के दिमाग में फैल जानी है तबाही। बच्चे आपको सुनने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है, बच्चे आपकी क्लास सोचेंगे छोड़कर भाग जाए, क्योंकि वाकई में जो चीज हमने पढ़ी नहीं है, जिसके बारे में हमें पता नहीं, प्रधानमंत्री कौन था पहला, पहला राष्ट्रपति कौन था, न्यूक्लियर बम कहां डला, कितने मरे, भैया मुझे करना क्या है, जो हुआ सो हुआ, मुझे आज से मतलब है। जीके किसने बनाई, जीके क्यों पढ़ाते, ऐसे सवाल ना बचपन में हर बच्चे के दिमाग में आते हैं। तो बस आपको उनके इस डर को निकालना है अगर आप जनरल नॉलेज के टीचर हैं। जब भी आप क्लास में जाते हैं तो बच्चे से ही पूछे, अच्छा बच्चा जीके है क्या, क्यों पढ़ना है सब्जेक्ट को? मैं हमेशा कहती हूं जो भी सब्जेक्ट पढ़ाने जा रहे हो उससे ये पूछे क्यों पढ़ना है सब्जेक्ट को। जीके मैम जनरल नॉलेज क्या होती है? जनरल नॉलेज वैसे इतनी किताबें हैं क्या, कम है क्या इतनी नॉलेज लेना जो जीके जनरल नॉलेज की वजह से पड़ी। अच्छा एक बात बताओ बच्चों, मुझे बच्चे जो भी आंसर्स देते हैं सब एक्सेप्ट कर लेने आपको, अब उनसे पूछना है कि मेरे एक हाथ में कितनी उंगलियां हैं, हाउ मेनी फिंगर्स डू आई हैव इन माई वन हैंड। काउंट करने की जरूरत है, कॉमन सेंस है ना यार, पांच है। अच्छा दूसरे हाथ में कितनी है, मैम इसमें भी पांच है, दोनों मिला के कितनी है, मैम टेन है। मेरे सर पे क्या है, बाल है। मेरे कितनी आंखें हैं, मैम दो है। दिन कैसे होता है, रात कैसे होती है, दिन में सूरज दिखता है, चांद दिखता है। बहुत सारे ऐसे कॉमन क्वेश्चंस की बौछार आप बच्चों से कर सकते हैं, मजे मजे में बच्चे आपको आंसर्स देंगे, ऐसे क्वेश्चंस जो रियल हो और उनके आसपास हो और बहुत बेसिक हो, जहां से शुरू करना बच्चे को मजा आए। जब आप ये सारी चीजें पूछ लेंगे बच्चे से तो सीधी सी एक बात कहे, बच्चों देखो यही तो है तुम्हारी जनरल नॉलेज, यानी अपने आसपास तुम जो भी कुछ देख रहे हो, समझ रहे हो, उसे ऑब्जर्व कर रहे हो, वही होती है जनरल नॉलेज। अब वो कुछ भी हो सकता है। अगर कोई बच्चा बहुत घूमता है, बहुत सारी चीजें ऑब्जर्व करता है, यानी उसकी जनरल नॉलेज ज्यादा है। अगर वो न्यूज़पेपर पढ़ता है, यानी उसे वहां से भी चीजें देख रहा है, वो उसकी जनरल नॉलेज बढ़ रही है। वो न्यूज भी सुन लेता है कभी कभार, यानी और उसने शब्द सुन लिए, यानी उसकी नॉलेज और बढ़ गई। तो बस बच्चों यही है जनरल नॉलेज, कोई सब्जेक्ट नहीं है ये। आप जो कुछ ऑब्जर्व कर रहे हो अपने आसपास, कुछ भी, इवन ट्रैफिक रूल्स, ट्रैफिक साइंस, अगर आप ऑब्जर्व करते हो सड़क पे चलते हुए, वो भी पार्ट ऑफ जनरल नॉलेज है। तो बस आज से आपको डिसाइड कर लेना है कि आपके आसपास जो भी है उसे ऑब्जर्व करिए और बस इस सब्जेक्ट को ऐसे ही पढ़ लोगे। अगर आपके आसपास पुलिस दिखती है, ओ ये पुलिस है, कैसे क्या काम करती है, नहीं पता तो पूछ लो ना आसपास के लोगों से, बड़ों को बहुत सारी जनरल नॉलेज होती है। जब आप ये सारी चीजें इकट्ठा करना अपने आसपास शुरू कर देंगे, इन चीजों की जानकारी लेना शुरू कर दोगे, डेफिनेटली यार जनरल नॉलेज बढ़ती चली जाएगी। और जो लोग मर गए उन्हें याद करने के लिए एनिमेटेड वीडियोस है ना, हम उनकी मदद से पढ़ लेंगे, उनके लिए उनकी पिक्चर्स देख के पढ़ लेंगे, उनकी बढ़िया बढ़िया ट्रिक्स और कहानी बना के मैं तुम लोगों को सुना दूं। एक दो ट्रिक्स बढ़िया मैंने भी चैनल पर डाली हुई है, उनकी हेल्प से जो प्रीवियस हिस्ट्री वाली जीके है वो आप बच्चों को याद करा दें, डेफिनेटली बच्चों को पसंद आएगा और वो आपको रिजेक्ट नहीं कर सकते, रिजेक्ट होने भी नहीं दे सकते।
और इंटरव्यूअर और जो आपका एग्जामिनर है, इवेल्युएटर है, तो आपको रिजेक्ट होने ही नहीं देगा, क्योंकि जीको को लेकर इतना पॉजिटिव एटीट्यूड अगर आप रखते हैं तो वो खुद आपकी क्लास में जनरल नॉलेज अटेंड करने आना चाहेगा। उम्मीद करती हूं ये तरीका अपना के देखो यार अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए, डेफिनेटली आपके बच्चे आपके लिए तालियां बजाएंगे और जीके टीचर भी उनकी फेवरेट टीचर बन जाएगी। तो उम्मीद करती हूँ दोस्तों ये टिप ये ट्रिक आपके काम आई होंगी, आपको डेमो क्लास पसंद आई होगी। डेफिनेटली जो जीके के टीचर है वो इसे ध्यान में रखेंगे और वीडियो पे दोबारा आओगे, वीडियो को लाइक भी करोगे, वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब आप कर चुके हो, और इस वीडियो को जिसको इसकी जरूरत हो ना उस तक इस वीडियो को जरूर पहुंचा देना। थैंक यू सो मच फ्रेंड, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू माई चैनल। बाय बाय।